हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बहुत इजी है। जैसे हमने √2, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, तो उनसे ज्यादा इजी है 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ठीक है? तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, यानी कि विरोधाभास विधि से। तो सबसे पहले हम ये जो 3√2 है, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे सबसे पहले हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसीलिए अपने सोल्यूशन में सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। तो अगर हमारा 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, या फिर p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां ये जो a और b है, ये हमारी सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, वही सह अभाज्य पूर्णांक होती है। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो ये हमने लिख दिया कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा ये भी हम लिखेंगे कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये जो b है नीचे, ये हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में जो नीचे हमारा हर होता है, ये कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम इधर लेके आएंगे, तो इधर हमारा सिर्फ √2 बचेगा, ये हमारा a, और नीचे ये 3 इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3b, ठीक है? तो अब इसको ध्यान से देखिए, हमें जैसे कि पता है कि a और ये जो b है, ये हमारी क्या है, पूर्णांक है। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक हैं। तो अगर a और b पूर्णांक है, तो इसीलिए ये जो हमारा a बटे में 3b है, ये परिमेय संख्या होगी। तो यहां पर लिख देंगे हम, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a बटे में 3b ये हमारी परिमेय संख्या है। तो ये हमने लिख दिया कि a बटे 3b परिमेय संख्या है। अब अगर a बटे 3b यानी कि ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में ये √2 ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे अब कि a बटे 3b परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो ये हमने लिख दिया कि तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम यहां पर आगे लिखेंगे। अब अगर हमारा √2 अपरिमेय संख्या है, तो हमने जो कल्पना किया था कि 3√2 हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। तो इसीलिए यहां पर हम आगे लिखेंगे, तो हमारी कल्पना गलत है कि 3√2 परिमेय संख्या है। तो अगर हमारी कल्पना गलत है कि 3√2 परिमेय संख्या है, तो यहां पर हम लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि 3√2 जो है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमें करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।